नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट जंक्शन पे। दोस्तों, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के वैसे स्टूडेंट जो कि आपको पार्ट फर्स्ट में है या पार्ट थर्ड में है, जो कि अपने एग्जाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन सभी दोस्तों के लिए आज मैं इस वीडियो में एक बहुत ही अच्छी जानकारी लाने वाला हूँ, जो कि मैं आज कुछ कॉलेज के प्रोफेसर और टीचर से बात करके ये जानकारी प्राप्त हुई है, जिससे कि आप बहुत सारे स्टूडेंट को फायदा होने वाला है। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहेगा अंत तक, जिससे कि आपको पूरी तरह से जानकारी मिल सके और आप भी पार्ट वन में हो या पार्ट टू में हो या पार्ट थ्री में हो। तो पहले मैं जानकारी दूंगा पार्ट वन और थ्री के एग्जाम के बारे में, और फिर पार्ट टू के एडमिशन के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों, बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता दूं कि पार्ट वन और पार्ट थ्री के एग्जाम संबंधित क्या अपडेट है। आज तो यूनिवर्सिटी खुली है, सभी कॉलेज भी खुली है 50% के साथ, जो कि मैं आपको कल की वीडियो में बता दिया हूँ। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वो आप वीडियो देख लीजिएगा, मैं ऊपर आई बटन या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा। तो बता दूं कि आप लोग का जो है पार्ट फर्स्ट और पार्ट थर्ड के स्टूडेंट के एग्जाम से संबंधित क्या अपडेट है। तो आशा यूनिवर्सिटी खुली है, तो अगर लॉकडाउन फिर से नहीं आती है 15 तारीख तक, अभी यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल नोटिस भी जाएगा 15 तक ही, ये जानकारी है कि अभी यूनिवर्सिटी खुली रहेगी। अगर इसके आगे अगर यूनिवर्सिटी खुली रहती है तो आप लोग का एग्जाम जो है वो आपको बहुत ही जल्द जारी हो जाएगी, कैलेंडर जारी हो जाएगी एग्जाम का, कि क्या कैसे एग्जाम लेना है, क्या प्रोसेस है, वो सारी जानकारी आपको इसी बीच में जारी हो जाएगी। अगर लॉकडाउन जो है अनलॉक हुई है, वो फिर से लॉकडाउन नहीं लगती है, तो आपका एग्जाम जो है वो इसी बीच में आपके एग्जाम की सारी प्रक्रिया कर ली जाएगी यूनिवर्सिटी के साथ और कॉलेज में भी, तो आपका एग्जाम इसी बीच में ले लिया जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले खबर के बारे में। अगली खबर ये है कि पार्ट टू, जी हाँ दोस्तों, एलएनएमयू यूनिवर्सिटी के वैसे स्टूडेंट जो कि आपको पार्ट टू में एडमिशन कब से होगा, वो बहुत सारे स्टूडेंट हमसे पूछ रहे थे, कॉल भी कर रहे थे व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज भी कर रहे थे कि पार्ट टू का एडमिशन कब से होगा। तो इससे पहले मैं एक वीडियो बताया था कि अभी कौन कौन से कॉलेज में पार्ट टू का एडमिशन स्टार्ट हो गई है, जो कि बेगूसराय के कुछ कॉलेज में स्टार्ट हो गई थी, जैसे जीडी कॉलेज बेगूसराय था, 3-4 और कॉलेज था जिसमें कि पार्ट टू का एडमिशन स्टार्ट हो गई थी। और मैं आपको इस वीडियो में वो भी बताया था कि आप अपने कॉलेज में कैसे चेक करते हैं कि मेरे कॉलेज में पार्ट टू का एडमिशन स्टार्ट की गई है कि नहीं की गई है, तो उसके माध्यम से आप लोग चेक कर लिए होंगे। अब तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज भी खुल गई है, तो आप लोग के मन में सवाल आया होगा कि अब कब से मेरे पार्ट टू का एडमिशन स्टार्ट होगी। तो पार्ट टू का जो एडमिशन का जो प्रक्रिया होगा वो आपके अपने कॉलेज से ही लिया जाएगा। मैं आज मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के कुछ कॉलेज जैसे कि महिला कॉलेज, आरके कॉलेज, जैन कॉलेज के कुछ स्टाफ से बात हुई है, उससे हमको जानकारी प्राप्त हुई है कि अगर ठीक ठाक रहा कोरोना का अपडेट, अगर ठीक ठाक रहा, बिहार में अनलॉक अभी रहा, लॉकडाउन नहीं लगा, तो 2 सप्ताह के अंदर, जी हाँ दोस्तों, 2 सप्ताह के अंदर आपके जो नामांकन की प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो सकती है। ये खबर सूत्रों के हवाले से पता चली है कि 2 सप्ताह के अंदर आपके जो नामांकन है, एडमिशन की प्रक्रिया है, वो स्टार्ट हो सकती है। अगर इसके संबंध में कोई भी अपडेट आती है, कोई भी जानकारी प्राप्त होती है, तो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से जरूर बता दूंगा। और आप लोग से उम्मीद करते हैं कि जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, और मैं अगर संभव हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि आप आसानी से आप हमारे परिवार के सदस्य बन सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगले वीडियो में आपको एक नई जानकारी के संग मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।